दोस्तों, अगर आपने अपना खाता तेलंगाना ग्रामीण बैंक के अंदर खुलवा रखा है और आपके जो बैंक के साथ में डीबीटी लिंक नहीं है, आपके बैंक के साथ में आधार सेटिंग स्टेटस एक्टिव नहीं है, वो लिंक नहीं है, वहां पर आपका आधार सेटिंग स्टेटस जो है वो इनएक्टिव बता रहा है। अगर आप ये चाहते हो कि ऑनलाइन अपने घर बैठे अपने मोबाइल से डीबीटी को बैंक के साथ में लिंक कर लें तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा तेलंगाना ग्रामीण बैंक में आप अपनी डीबीटी एनपीसीआई को कैसे लिंक कर सकते हो और ये काम आप अपने घर बैठे अपने ही मोबाइल से ऑनलाइन कर सकते हो। इसमें आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तो बैंक में और ना ही एटीएम पर। आपको मैं जो प्रोसेस बताने वाला हूँ वो ऑनलाइन का प्रोसेस है, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा। स्किप करके देखोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद एसएस यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आप डिस्प्ले पर ये साइट देख रहे हो, ये साइट पर आपको आ जाना है। अब ये आओगे कैसे, आपको जो है कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है फोन के अंदर और वहां पर आपको गूगल में सर्च बार में लिखना है npci.org.in, ये लिख करके सर्च करना है। उसके बाद में आपके सामने ये वाला इंटरफेस, ये वाली साइट खुल करके आ जाएगी। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कंज्यूमर का, एरो का निशान बता रहा है आपको कंज्यूमर वाले पर, यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा भारत आधार सीडिंग, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके सामने जो है दूसरा पेज खुल करके आ जाएगा कुछ इस तरह का। अब यहाँ पर आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है वो आपको जो है समझना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको स्किप नहीं करना है वीडियो को, अगर स्किप करोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले पेज पर आने के बाद में अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। यहाँ इधर में एरो का निशान बता रहा है, यहाँ पर आपको अपना पूरा आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद में ये जो सीडिंग वाला ऑप्शन है इस पर टिक लगा देना है। उसके बाद में जो है यहाँ पर नीचे में फ्रेश सीडिंग का एक ऑप्शन है, इस पर भी टिक लगा देना है। उसके बाद में यहाँ से आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से बैंक सेलेक्ट करना होगा। यहाँ नीचे में स्क्रॉल करके आएंगे और आपके जो बैंक का नाम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ये रहा तेलंगाना ग्रामीण बैंक, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे में ये दो ऑप्शन दिखाई देंगे जिनमें आपको जो है अपना अकाउंट नंबर डालना होगा, जो कि आपकी पासबुक पर होता है। पासबुक पर आपका अकाउंट नंबर मिल जाएगा, फर्स्ट वाले बॉक्स में डालना है, फिर सेकंड वाले में भी वही सेम अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद में स्क्रॉल करेंगे, यहाँ दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जिनको आपको टिक करना होगा। यहाँ पर इस पर भी टिक लगा देंगे और इस पर भी टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद में जो है फिर से स्क्रॉल करेंगे और यहाँ आपको एक कैप्चा दिखाई देगा, ये जो कैप्चा है आपको यहाँ पर फिल करना है एंटर अबाउ कैप्चा में। ये कैप्चा एंटर अबाउ कैप्चा में फिल करने के बाद में यहाँ नीचे में एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसीड का, प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दूसरा पेज आएगा जिसमें ओके करने के लिए बोला जाएगा, आपको ओके कर देना है। उसके बाद में जो है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी आपको जो है डाल करके सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें प्रोसेसिंग चलेगी, एक लोडिंग चलेगी, जिसमें आपको बैक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, 1 से 2 मिनट की वो प्रोसेसिंग चलेगी। उसके बाद में जैसे ही वो कंप्लीट होगी तो आपके सामने दूसरा पेज आएगा जिसमें लिख करके आ जाएगा सक्सेस। सक्सेस आते ही समझ लीजिएगा कि आपकी डीबीटी लिंक हो चुकी है, आपका आधार जो है आपके बैंक के साथ में जुड़ चुका है, लिंक हो चुका है, डीबीटी आपकी एनपीसीआई लिंक हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है आप जो है ऑनलाइन अपने घर बैठे अपने मोबाइल से इस साइट पर आने के बाद में जो है अपना ये काम कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।